हंगामे के बाद ना ऐसा नहीं करता वो वाला डायलॉग मारे, इतना सन्नाटा क्यों है भाई? आई नो सडनली इतना हाइप था और उसके बाद फुस। लेकिन चिंता मत कीजिए, टीवी की दुनिया कभी मोमेंटम को फुस होने ही नहीं देती। अब कहाँ हम कहाँ तुम, में लीजिए न्यू ईयर की पार्टी हो रही है तो चलिए इनकी पार्टी अटेंड करके आते हैं। साक्षी और उसके पूरे परिवार को मिल गया है खुशियां मनाने का एक मौका। अब तक तो घर में खूब ड्रामा हो रहा था, लेकिन पूजा को खुश करने के लिए सारा परिवार एक साथ आ गया है। और फिर क्या, पूरे परिवार के साथ आते ही शुरू हो गया खुशियों भरा माहौल और सेलिब्रेशन, वो भी नाच गाने के साथ। लेकिन घर में खुशियों की दस्तक से पहले खूब सारा ड्रामा हुआ। सोनाक्षी फिर एक बार आ गई है रानी के रास्ते में और अपने घर वालों का साइड लेकर रानी को उसके हद में रहने के लिए कह रही है। और सोनाक्षी ही है जो रानी नाम का काटा निशी के लाइफ से हमेशा हमेशा के लिए निकाल देगी। आइंदा पूजा की बातों में दखल देने से पहले 10 बार सोच ले, जितना इन बातों से दूर रहो उतना ही बेहतर होगा तुम्हारे लिए। रानी का तो आपको पता है ना कि उसकी पर्सनैलिटी थोड़ा गुंडी टाइप है, इतना तो सामने आ ही गया है, तो कुछ ना कुछ तो कीड़े हैं रानी के, करती रहेगी तो ऐसे सिप्पी खानदान को इतनी स्मूथ इतना हैप्पी क्रिसमस कैसे मनाने देगी, कुछ तो करेगी। हाँ, बिकॉज वो दिखाना चाहती है कि पूजा मेरी ज़्यादा सुनती है, उस पर मेरे ज़्यादा राइट्स है, बिकॉज मैं उसकी मदर हूँ नॉट यू। तो वो एक चैलेंज टाइप का चल रहा है निशी और उसके बीच में, बिकॉज निशी दिखाना चाहती है कि नहीं उसकी बेटी पूजा है तो वो उसकी सुनेगी, और रानी दिखाना चाहती है कि लिसन मैं आ गई हूँ अब मेरी चलेगी। अब देखना ये होगा कि रानी और निशी का ये खेल कब तक चलेगा, या सोनाक्षी अपना पार्वती वाला दिमाग लगाकर इस घर में सच्चाई को जल्दी से भापकर पूजा को इस ड्रामे से छुटकारा दिलवाएगी। क्योंकि अगर सच्चाई सामने आ गई तो रोहित और सोनाक्षी के बीच का यह अटूट रिश्ता टूट भी सकता है। मुंबई से सोमा वैद अवस्थी के साथ नेहा सावंत की रिपोर्ट। ये है एबीपी न्यूज़, आपको रखे आगे।